हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और हम कर रहे हैं अभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और सारी वीडियोस आपके सामने ही आपको दिख रही होंगी, और एक के बाद एक सारी वीडियोस आ रही हैं। एलटी ग्रेड का भी आने वाला है, टीजीटी पीजीटी भी आने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं, और आज फिर से 25 प्रश्न करते हैं। तो 100 तक हमने प्रश्न कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 101 है। चतुष 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 चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्योद्यो निषाद गंधारो त्रि त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। श्रुतियों पर स्वर स्थापित करने वाला यह दोहा किसने रचा? भरत, रत्नाकर, सारंगदेव या हनुमत? सही आंसर होगा इसका सारंगदेव। ठीक है, सारंगदेव इसका सही आंसर है। ठीक है, श्रुतियों पर स्वर स्थापित करने वाला यह दोहा सारंगदेव ने रचा है। सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 102 है, लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? राग का परिचय कराना, लोक गीत सिखाना, स्थाई की स्वरलिपि बताना या ताल का प्रकार बताना? सही आंसर होगा इसका पहला ही, राग का परिचय देना। ठीक है, लक्षण गीत का उद्देश्य राग का परिचय करना है। जिस गीत में अपने राग के पूरे लक्षण हो, लक्षण गीत कहलाता है। ख्याल के समान इसमें भी स्थाई और अंतरा के दो भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, नाट्यशास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? मतंग, कुमारिल, जैमिनी, भरत? सही आंसर है चौथा, भरत। नाट्यशास्त्र ग्रंथ भरत जी की रचना है। भरत जी ने इस ग्रंथ को 5वीं शताब्दी में लिखा था। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के 5 अध्याय में संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है। मतंग जी ने बृहदेशी ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है, शाहजहां कहा दरबारी संगीतज्ञ था? तानसेन, तालखां, छतर खां, गोपाल, बताइए। जब आप संगीत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। मुगल काल में सारे अलग अलग, मतलब बाबर काल में कैसा संगीत था, हुमायूं के टाइम में फिर कैसा रहा, फिर अकबर के टाइम में कैसा रहा, जहांगीर के टाइम में कैसा रहा, हाँ, शाहजहां के टाइम में कैसा रहा, औरंगजेब के टाइम में कैसा रहा, तो उसमें सब कुछ आपको पता चलेगा। मुगल्स के टाइम में पूरा कैसा रहा था, कौन दरबारी गायक थे, किसको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये सब चीजें, तो वो सब चीजें आप जरूर पढ़ना। अगर आप बोलोगे तो उस पर वीडियोज में लाऊंगा। देखिए इसका सही आंसर होगा तीसरा, छतर खां। शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ छतर खां था। तानसेन और गोपाल जी अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 105 है, किसी तार पर एक सिरे से 36 की दूरी पर तार सा की स्थापना की जाए तो पंचम की स्थापना होगी 18 पर, 20 पर, 24 पर या 72 पर?
सही आंसर होगा इसका तीसरा 24। ठीक है, किसी तार पर एक सिरे से 36 डिग्री की दूरी पर तार सा की स्थापना की जाए तो पंचम स्वर की स्थापना 24 डिग्री पर होगी। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है, पना, अटी, तबली, मनका। सही आंसर होगा इसका पहला, पन्ना। निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है, तो पन्ना नहीं है। ठीक है, बाकी तो सब है ही, आपको पता होगा। पन्ना तानपुरे का अंग नहीं है, पन्ना का प्रयोग तानपुरा में नहीं किया जाता है। अटी, तबली और मनका तानपुरे का अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, ताल बसंत में से दो मात्राएं घटाने पर कौन सी ताल के बराबर मात्राएं रह जाएंगी, दादरा, तीवरा, रुद्र और कहरवा। देखो कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ही अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, आपको तो पहले बसंत ताल का पता होना चाहिए कितनी मात्राओं का है, उसमें से दो घटाने पर कौन सी ताल बन जाएगी। सही आंसर होगा इसका दूसरा, तीव्रा। ठीक है, देखिए ताल बसंत में से दो मात्राएं घटाने पर तीव्रा ताल के बराबर मात्राएं रह जाएंगी। बसंत ताल में नौ मात्रा होती है, अब नौ मात्रा है तो नौ में से दो घटाएंगे तो सात बचेंगे और सात मात्रा की वो ताल है तीव्रा। दादरा ताल कितने मात्रा की, छह मात्रा की है। रुद्र ताल कितने मात्रा की है, ग्यारह मात्रा की है। कहरवा ताल कितने मात्रा की है, आठ मात्रा की ताल मानी जाती है। और तीव्रा ताल पखावज की ताल है, जबकि दादरा, कहरवा और रुद्र ताल तबला की ताल है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी, सोना, प्लेटिनम, चांदी या तांबा। इसका सही आंसर होगा तीसरा, चांदी। ठीक है, ध्वनि की गति सर्वाधिक चांदी में होती है, सोना, प्लेटिनम और तांबा में ध्वनि की गति चांदी से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, दो स्वरों के डोल या बीट्स से उत्पन्न कर्कशता कब सर्वाधिक होगी। ठीक है, पहले ऑप्शन है आपके, जब उन स्वरों की दूरी एक स्वर के बराबर हो, यह दूरी डेढ़ स्वर के बराबर हो, आधे स्वर के बराबर हो या एक सप्तक के बराबर हो। कर्कशता मतलब होता है एक बुरी आवाज समझ लो इसको, कुछ मतलब कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मेन इसे क्या कहेंगे, जो कर्कश की आवाज नहीं होती, अच्छी आवाज नहीं होना। सही आंसर है तीसरा होगा इसका, आधे स्वर के बराबर होगा तो ज्यादा होगी। ठीक है, दो स्वरों के डोल से उत्पन्न
या कंपन से उत्पन्न, यहाँ पे डोल की जगह कंपन भी सही है, कंपन से उत्पन्न कर्कशता जब आधे स्वर के बराबर हो तो सर्वाधिक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सी ताल कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य ताल नहीं है, त्रिपुट, रूपक, एक ताल या तीन ताल। प्लेलिस्ट जो बना हुआ है टीजीटी और पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसकी सारी वीडियोस आप देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप सब, मैं देख रहा हूं कि आप सब शेयर नहीं कर रहे चैनल को, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को ताकि सबकी हेल्प हो पाए। आप सबकी अगर हेल्प हो रही है तो ईमानदारी से एक बार जरूर शेयर करें। देखिए, इसका सही आंसर होगा चौथा, तीन ताल। कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य ताल त्रिपुट, रूपक और एक ताल है, जबकि तीन ताल हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की ताल है। क्वेश्चन नंबर 111 है, राग छायानट का ठाट है कल्याण, भैरव, तोड़ी या काफी। इसका आंसर आपको शायद दिख गया, सही आंसर इसका पहला, कल्याण। राग छायानट कल्याण ठाट का जन्य राग है, छायानट राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है, इससे राग का वादी स्वर प तथा संवादी स्वर रे माना जाता है। छायानट राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। भैरव राग भैरव ठाट का राग है, तोड़ी राग तोड़ी ठाट का राग है, और काफी राग काफी ठाट का राग माना जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 है, बांसुरी में यदि तीन छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का सा बजाया जाए तो तार सा बजाने के लिए कितने छिद्र दबाने पड़ेंगे या दबाए जाएंगे। ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 3, 4। देखिए, इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, बांसुरी में यदि तीन छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का सा बजाया जाए तो तार सप्तक का सा बजाने के लिए तीन छिद्रों को ही दबाकर स्वर निकालेंगे। ठीक है, आप सब जितना हो सके उतना आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, और इसके साथ एक पेन कॉपी भी अपने साथ रखें, और जो जो आपको नहीं आता उसको नोट कर लीजिए, इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, है ना, माइंड में रहता है। अगर आप किसी चीज को नोट भी करेंगे ना, लिखने की आदत डालेंगे, थोड़ा नोट करेंगे, तो फिर वो आपके माइंड में रहेगा। अगर आप सिर्फ सुन के छोड़ देते हो तो उसमें आपकी को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 113, भेड़िया स्वर सुनाई देता है मूल स्वर की आवृत्ति पर, मूल स्वर से डेढ़ गुना नीचे, मूल स्वर से आधी आवृत्ति पर, मूल स्वर से उच्च आवृत्ति पर। इसका सही आंसर होगा पहला। ठीक है, मूल स्वर की आवृत्ति पर, भेड़िया स्वर मूल स्वर की आवृत्ति पर सुनाई देता है। भेड़िया स्वर डेढ़ गुना नीचे आधी आवृत्ति पर तथा उच्च आवृत्ति पर नहीं सुनाई देता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 114 है, तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रसार है, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं देख लीजिए, 75 से 8500, 80 से 5500, और तीसरा है 100 से 10000, और फिर चौथा ऑप्शन है आपका 100 से 1000। सही आंसर होगा इसका दूसरा, ठीक है। तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति 80 से 8500 तक मानी जाती है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं आपको थोड़ा बता दिया करता हूं, जो ज्यादा ही पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण नहीं है, भैरवी, यमन, जौनपुरी या काफी। सही आंसर है इसका तीसरा, जौनपुरी, ठीक है। जौनपुरी राग औड़व संपूर्ण जाति की मानी जाती है, भैरवी राग संपूर्ण संपूर्ण जाति मानी जाती है, यमन संपूर्ण संपूर्ण जाति के माने जाते हैं, काफी राग भी संपूर्ण संपूर्ण जाति के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, मल्लिकार्जुन मसूर ने किस फिल्म में संगीत निर्देशन किया है, चंद्रहास, इंद्रजाल, इंद्रसभा और झनक झनक पायल बाजे। इसका सही आंसर होगा तीसरा, इंद्रजाल, ठीक है, ये आंसर इसका सही है। मल्लिकार्जुन मसूर ने इंद्रजाल फिल्म के निर्देशन किया है, याद रखना ये भी। क्वेश्चन नंबर 117 है, उस्ताद अमीर खां का संबंध किस घराने से है, ग्वालियर, इंदौर, आगरा या सह सवान। अमीर खां, देखिए जब भी आप किसी का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, उनका जन्म, ठीक है, उनकी मृत्यु, ठीक है, उनको कौन कौन सा सम्मान मिला है, ये तीन चीज बहुत जरूरी होती है, एक तो जन्म, मृत्यु और उनको कौन कौन सा सम्मान मिला है, और उनका घराना, गुरु, पिता और शिष्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई भी हो, मैं हाथ से ये कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, कोई भी होता है, किसी का भी जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसका जन्म, उसका मृत्यु, उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं, उनका घराना, गुरु शिष्य, गुरु कौन है, उनके शिष्य कौन कौन बने, उनके उनके पिता का नाम क्या है, और एक चीज रह गया है, हाँ, वो कौन सा वाद्य बजाते हैं, ठीक है, वो तबला वादक है, कौन सा वाद्य, वाद्य वादक कौन से है, तो एक एक वादन लिख दो, या वादन है के या गायन के हैं, वो क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इन्हीं चीजों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लो, भले आप कोई भी क्वेश्चन देखो, ज्यादातर में से आपको 100 में से अगर किसी भी जीवन परिचय अगर किसी का पूछा जाता है तो 100% में से यही पूछा जाएगा, 100% में से आप 95% रखो कि इन्हीं में से पूछे जाते हैं, उसका जन्म पूछ लिया जाता है, मृत्यु पूछ लिया जाता है, सम्मान, घराना, गुरु, शिष्य, पिता, या गायन करते हैं या वादन करते हैं, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो उस्ताद अमीर खां का संबंध किस घराने से, इसका सही आंसर होगा दूसरा, इंदौर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, बाल कृष्ण बुआ इचल कर जी कर के गुरु थे, राजा भैया पूंछ वाले, आशीष अली, हद्दू हस्सू खां, देव जी धार वाले।
सही आंसर होगा तीसरा, हदु हसु खां। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से किस संस्था का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है? एसपी मैके, यू मैक, सीएम म्यूजिक, आईटीसी। सही आंसर है यू मैक। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता होगा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म वर्ष है 1919, 1921, 1911 या 1899? सही आंसर होगा इसका पहला 1919। ठीक है, इसलिए आपको जीवन परिचय भी पढ़ना चाहिए, और जीवन परिचय पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारी वीडियोस ही मैंने बना दी थी, तो वो भी आप जाके देखिए। देखिए व्याख्या है इसकी, उस्ताद अल्लाह रखा खां एक तबला वादक है। अल्लाह खां का संबंध पंजाब घराने से है। पंजाब घराना एक स्वतंत्र तथा जोरदार बोलों का घराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, ठाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से कौन सा ठाट बनेगा? मारवा, भैरवी, आसावरी या पूर्वी? सही आंसर है चौथा पूर्वी। ठीक है, ठाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से पूर्वी ठाट बनेगा। भैरव ठाट में रे और ध स्वर कोमल लगता है तथा पूर्वी राग में रे ध कोमल के साथ तीव्र लगता है। तीव्र मध्यम तीव्र एक ही बात है लगता है। भैरवी राग में रे ग ध नी स्वर कोमल लगता है तथा आसावरी में ग ध नी कोमल लगता है। भैरवी और आसावरी राग में तीव्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, दो तीन चार स्वरों के समुदाय को कह सकते हैं राग, ख्याल, तान या स्थाई? सही आंसर इसका तीसरा तान। दो तीन या चार स्वरों के समुदाय को हम तान कह सकते हैं। राग, ख्याल और स्थाई में दो तीन या चार स्वरों का समुदाय नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। निम्न में से कौन सा उत्तरांग राग नहीं है? पूरिया, धनाश्री, भैरव, विभास, रामकली। सही आंसर इसका पहला पूरिया धनाश्री। ठीक है, भैरव राग उत्तर नहीं है, उत्तरांग राग नहीं है। पूरिया, धनाश्री, विभास और रामकली राग का उत्तरांग राग माना जाता है। ठीक है, दो ये सभी का मॉर्निंग के राग है।
क्वेश्चन नंबर 124 है, इतनी शक्ति हमें देना दाता किस ताल में है, खेमटा, कहरवा, रूपक या दादरा। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यही वाला है, ये सही आंसर इसका दादरा में है। ठीक है, इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत दादरा ताल में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्न में से किस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव हरि का संगीत नहीं है, साइबा, बॉबी, चांदनी, सिलसिला। सही आंसर इसका दूसरा, बॉबी। ठीक है, फिल्म बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, जबकि साहिबा, चांदनी तथा सिलसिला फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव हरि का संगीत निर्देशन है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक वीडियो पहुंच पाए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे अपने आप ही जुड़ जाएंगे। वहां पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वहां पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, जितनी भी जॉब्स आने वाली है, रिक्वायरमेंट आती है, उस सबको जो प्राइवेट भी आता है उसमें भी मैं बता दिया करता हूँ। और एक चीज और, इसके बाद मैं क्या करवाने वाला हूं मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद दो मिनट, कल से ये स्टार्ट होगा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005। ठीक है, 2004 तक अभी हम कर रहे थे, 2004 का अभी हम कर रहे थे, ये वो कंप्लीट हो चुका है, अब 2005 का हम करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।